हाय दोस्तों, होली आने वाली है तो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं सूजी के फ्रैम्स। बिल्कुल मार्केट वाले फ्रैम्स बनेंगे और बिल्कुल मुलायम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया एक कटोरी सूजी, एक छोटी कटोरी सूजी, और इसे हमने डाल दिया बड़ी कटोरी में। और इसमें डालेंगे एक कटोरी पानी और हम इसे अच्छे से भिगा देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए तो बारीक पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इसमें पानी डाल के इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी सारा पानी पी गई, बिल्कुल अच्छे से सूजी फूल गई है। तो चलिए इसको हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये फ्रैम्स की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट पापड़ की वीडियो मिलती रहे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अच्छे से पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम रखेंगे एक कढ़ाई और उसी में हम पेस्ट को डालेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 कटोरी पानी डालना है। तो यहाँ पे आधे कटोरी पानी मैंने बचा लिया था जो सूजी को पीसते समय डाल दिया था। तो एक कटोरी पानी डाल चुके हैं, ये रहा 2 कटोरी, ये रहा 3 कटोरी पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें पानी और डालना है, उसके बाद ही हम इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे। ये रहा 4 कटोरी पानी और ये रहा 5। चलिए चढ़ाते हैं चूल्हे पे। गैस को हमने ऑन किया और चढ़ा देंगे चूल्हे पर और हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा सूजी का बैटर इस तरीके से गाढ़ा हो गया है पकाते हुए। तो अभी इसमें बबल्स आने बिल्कुल हल्के हल्के शुरू हुए हैं, इनको अच्छे से पकाएंगे बबल्स आने तक, तभी हमारे सूजी के फ्रेम बिल्कुल भी टूटे फटेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे बनाए हुए पापड़ या फ्रैम्स की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से पक गया है और इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया आधे चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मीठा सोडा, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, इसे पकाने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हमें गैस की फ्लेम को स्लो करके पकाना होता है इसीलिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम फ्रैम बनाने शुरू करेंगे। तो गैस को हमने बंद कर दिया है, ये देखिए। तो अब हम मार्केट वाले कलरफुल फ्रैम्स बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम 2 कटोरी में अलग अलग निकाल लेंगे। तो कटोरियों में हमने निकाल लिया और कढ़ाही वाले में हम डालेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। तो ग्रीन कलर को हमने मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे रेड कलर, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। और अब हम बस 3 कलर से बनाएंगे, वाइट, रेड और ग्रीन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हमें कोई पाइपिंग बैग
या कोई नमक की थैली या दूध की थैली वाला पैकेट होना चाहिए। तो हम इसे ग्लास में डालेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि हमें बैटर को भरने में आसानी रहे। तो ये देखिए सारा हमने भर दिया है एक बार में, बहुत ही आसानी से हमने इसे भर दिया है। अब हम इसे निकालेंगे बाहर और इसे हम नीचे की तरफ इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इकट्ठा कर दिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कोना में हमने एक कट लगा दिया था गोल शेप में ताकि आसानी से ये घोल निकलता जाए। ये देखिए हमने अच्छे से पकाया था ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे और क्रैम्स बनाने में बहुत ही आसानी रहे। तो आप देख रहे हैं हम कितने आसानी से ही ये क्रैम्स को बना रहे हैं। आप भी इसी ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपके भी क्रैम्स इसी तरीके से बनेंगे और कभी टूटे फटेंगे बिल्कुल नहीं। ये रहा रेड कलर, ये देखिए कितने आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी ये फंस नहीं रहे क्योंकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं। तो हमने सारे प्राइम्स को बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इनको अच्छे से हम सुखा लेते हैं। तो सूखने के बाद इस तरीके से प्राइम्स सूख गए हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल भी टूटे फटे नहीं हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए हमने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, एक मुट्ठी भर के हम डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से प्राइम्स फूल गए हैं और ये कितने हल्के दिख रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल मुलायम। तो ये देखिए एक बार में और आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम सारे प्राइम्स को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे फ्राइम्स को फ्राई किया। आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर फ्राइम्स हैं और बिल्कुल टूटे फटे नहीं हैं। तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने मुलायम हैं। आई होप आपको फ्राइम्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।